हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हुए हैं रॉयन एनफील्ड श्री राम कॉमर्शियल, जो कि आपका बोड़ो में है। शोरूम के जितने भी डिटेल्स और एड्रेस होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज आपके लिए लेके आए हैं दो न्यू वेरिएंट्स के बारे में, जो कि सिंगल चैनल AVS में आपके लिए प्रेजेंट है रॉयन एनफील्ड की तरफ से। अगर ये चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लाते रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करें। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं बाइक के पास। इसके स्पेसिफिकेशन के साथ इसका ऑन रोड प्राइस भी आपको बताएंगे, तो चलते हैं सीधा। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऑफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आपको रॉयन एनफील्ड की तरफ से मिल रही है। अगर आप कोई भी हेलमेट या फिर राइडिंग जैकेट परचेस करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको हेलमेट या फिर राइडिंग जैकेट लेना हो तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं शोरूम। शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइज। तो गाइज, ये रही 2022 की न्यू वेरिएंट सिंगल डिस सिंगल AVS हेलकॉन, जो कि आपके सामने अभी ग्रीन और ब्लैक कलर में प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं इसके की से गाइज। तो इसमें हाई वेरियंट बाइक की मिल जाती है आपको, लाइक GT 650 और इंटरसेप्टर। पहले इस टाइप की उसमें आते थे, अब आपको रिबॉर्न में भी आ जाएंगे। लुक के बारे में बात करें तो लुक वाइज गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर दिखती है। कलर के बारे में बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं, धूप का रिफ्लेक्शन से गाड़ी की फिनिशिंग और ज़्यादा इन्हांस हो गई है, लाइट से वो और ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें आपको टोटल 3 कलर के ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक, ग्रीन और ग्रे। अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में गाइस। तो फ्रंट लुक में आपको पूरा हाइलोजन सेटअप मिलता है, विद 2 इंडिकेटर जो कि बल्ब में मिलते हैं, और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है 41mm का, एक बड़ा सा मडगार्ड मिलता है। टायर साइज़ के बारे में बात करें तो 100x90 का टायर साइज़ मिलता है, और 19 इंच के आपको ब्लैक स्पोक रिम्स मिलते हैं। आपको इसमें 300mm का डिस्क मिल जाता है विद 2 रिफ्लेक्टर्स राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइब्री के ब्रेक्स, और यहाँ आप जैसे कि देख रहे होंगे स्प्लिट चेसी मिल जाता है, तो वाइब्रेशन गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। तो इंजन के बारे में बाद में बात करेंगे, चलते हैं रेयर में। तो रेयर लुक कुछ इस तरह से दिखता है, बड़ा ब्रॉड। इसमें आपको रेयर में ड्रम मिलता है गाइस, और इसका जो साइज़ है 120x80 और 18 इंच के आपको स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको इंजन दिख रहा होगा, इंजन आपको देखने से एकदम 650cc की इंजन की याद आ जाती होगी। तो ये रीबॉर्न है तो इसमें आपको सब चीज़ नया ही जैसा लगेगा। रेयर में आपको राउंड शेप टेल लैंप मिल जाता है विद 2 इंडिकेटर्स, और उसके जस्ट नीचे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ रॉयन एनफील्ड टैंक की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कलर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। 2 सीट मिलते हैं आपको राइडिंग के लिए, जिसकी कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको 2 हुक मिल जाते हैं सामान कैरी करने का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 13 लीटर की मिलती है गाइस। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में गाइस, जो कि कुछ इस तरह से एनालॉग और डिजिटल दोनों में प्रेजेंट है इसमें, जो कि आप लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट का इंडिकेटर्स और हॉर्न यहाँ मिल जाता है। इसके जस्ट नीचे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको किल स्विच का ऑप्शन मिलता है। आपको कुछ ही देर में गाड़ी को स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं। तो अब जा रहे हैं बाइक को स्टार्ट करने और आप सबको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाने के लिए गाइस। स्टार्ट करते हैं इंजन। तो जैसा कि आप सब सुन पा रहे होंगे, गाड़ी में एक जरा भी वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड आवाज़ आ रही है बाइक की। तो आपको लॉन्ग राइड में ले जाने में बाइक को कोई भी ज़्यादा इश्यू नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं इसके ऑल ओवर लेंथ, हाइट और वेट के बारे में गाइस। तो इसमें आपको लेंथ मिल जाती है 2145mm, हाइट मिल जाती है 1019mm का, ग्राउंड स्पेस आपको मिल जाता है 170mm का, सीट हाइट आपको मिल जाती है 805mm की, और टोटल कर्व वेट आपको मिल जाता है 195kg का। तो अब बात करते हैं इसके एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस के बारे में गाइस। तो ये आपको हमारे गिरिडीह झारखंड में एक्स शोरूम में मिलती है 1,90,045, और ऑन रोड आपको गिरिडीह झारखंड में पड़ जाती है 2,80,501। तो गाइज, यही थी आज की फुल डिटेल रिव्यू। होपफुली वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कमेंट, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।